हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेश सर आप लोगों को अपने वीडियो में या आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि आज हम भारत के भौतिक प्रदेश पे चर्चा करेंगे भाई। तो भौतिक प्रदेश में आज हम आप लोगों को ले चलेंगे कि भारत का हिमालयी विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, ठीक है भाई। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय के भारतीय विस्तार पर, और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आज हम आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं कि क्या कौन सा हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक विस्तार, वहाँ नदियाँ कौन सी हैं, किस नदी से किस नदी तक का विस्तार इसका। तो आज बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्तों, आज आप लोगों को पूरा हम क्लियर कर देंगे कि हिमालयी विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरी ताकत लगा दिए हैं इसको समझाने में बनाने में, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आइए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट देखिए आप लोग क्या आता है भाई। पहला हमारा पॉइंट आता है कि हिमालय का विस्तार। तो हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम सिंधु नदी से दक्षिण में, पूर्व दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों देखिए, पहले हम आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं कि जहाँ की हमारी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। तो ये आप देखिए ध्यान से, ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा आता है मानसरोवर। ये हमारा मानसरोवर झील है, और यह कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तो और हम आपको बता दें, ये जो हमने उठाया है एटलस, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हिस्सा, ये जो हम बता रहे हैं ये हमारा मालूम क्या है दोस्तों, ये हमारा हिमालय है। तो हिमालय ये हमने बनाया है, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये हिमालय फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ये हमारा हिमालय फैला हुआ। अब ये हमारी नदी जा रही है दोस्तों, ये हम इस नदी को हम क्या बोलते हैं, ये नदी हमारी चली जा रही है, ये नदी हमारी चली जा रही है। तो इस नदी को हम मालूम क्या बोलते हैं भाई, ये आपके सामने लिखा है दोस्तों, इस नदी को हम बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है भाई। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर होते हुए लद्दाख और कश्मीर के बीच से निकलते हुए दोस्तों ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में जा कर के कराची के पास ये अरब सागर में गिर जाती है। अब हम इधर बात करते हैं, तो ये जो नदी हमारी जा रही है मानसरोवर से निकल रही है, इस नदी को हम क्या बोलते हैं भाई, इस नदी को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये आ गई है ब्रह्मपुत्रा नदी, ये आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी से सिंधु नदी, यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम में, तो ये हमारा सिंधु नदी से विस्तृत है। हिमालय पर्वत सिंधु नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है, यानी यहाँ तक पाया जाता है। क्लियर हुआ। आगे हम और भी पॉइंट दर्शा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए देखिएगा। तो हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है। और एक चीज़ बता दें दोस्तों आप लोगों को कि ये जो कहाँ तक पाया जाता है, ये नामचा बरुआ, तो ये जो हिमालय का विस्तार है नामचा बरुआ तक फैला है। अब आप सोचेंगे कि नामचा बरुआ दोस्तों है कहाँ पर, तो नामचा बरुआ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है नामचा बरुआ। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बरुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, यहाँ कश्मीर से, हिमालय जो भारत है ये कश्मीर से लेकर के दोस्तों कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ तक इसका विस्तार पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई। तो हिमालय का विस्तार कहाँ से है, कश्मीर में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी, पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक पाया जाता है हिमालय पर्वत। अब कहते हैं हिमालय भूगर्भी रूप से युवा बनावट रूप से बलित पर्वत में आता। तो बलित पर्वत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बलित पर्वत का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है भाई। तो ये इसकी आकृति जो है टेढ़ा मेढ़ा मानी जाती है,
तिरछा माना जाता है। अब हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है, तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है तेथिस युग, जिसको हम बोलते हैं तेथिस युग माना जाता है दोस्तों, तेथिस युग। तो इसकी उत्पत्ति हुई है तेथिस युग में, तो हिमालय की उत्पत्ति तेथिस युग में हुई। अगला पॉइंट हम उठा लेते हैं दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, अगर हम प्लेट विवर्तनिकी की बात करते हैं ना, तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने दिया था 1760 में। किसने दिया था? हायरी हंस। तो हायरी हंस ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखना, हायरी हंस ने इसका विस्तार बताया था, मैंने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था। तो हायरी हंस या हमारे विद्वानों का कहना है कि प्लेटों के टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है भाई, हिमालय की। तो प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हम आते हैं ट्रांस हिमालय के उत्तर में तिब्बत है। तो देखिए अभी हमने आपसे बताया था कि इसका जो विस्तार है ये हमारा जा रहा, तो ये हमारा विस्तार है, ये हमारा हिमालय का विस्तार है, ठीक। तो कहता है कि इसके उत्तर में ये हमारा तिब्बत स्थित है, तो ये हमारा हिस्सा उत्तरी हिस्सा है, तो ये हमारा दोस्तों तिब्बत आता है, ठीक है भाई। तो तिब्बत ये बगल में मानसरोवर है, उसके बगल में चाइना है, ठीक है भाई। इधर हम आते हैं कैलाश श्रेणी है, तो अभी हम आगे आपको बताते रहेंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि एक ही जगह बता देंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं हम, क्योंकि हमने दोस्तों पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हम करें, तो बिल्कुल आज क्लियर होगा हर एक एक चीज़। शायद आप लोग उतना पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो उत्तर में तिब्बत हो गया दोस्तों। अगला पॉइंट हमने बनाया यहाँ पर कि बाकी हमने बता ही दिया है वहाँ पर कि हमारा हिमालय का विस्तार है। कहता है हिमालय के दक्षिण से उत्तर में क्रमशः कैलाश जास्कर और लद्दाख तथा काराकोरम श्रेणियाँ। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय जा रहा है, ठीक। अब इसी के बगल में ये जो हिस्सा हमारा आता है, ये जो हिस्सा हमारा आता है दोस्तों, ये हमारा लद्दाख का हिस्सा है, ठीक है भाई। अब इसी के नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमारा आ जाता है जास्कर श्रेणी, ये हमारा जास्कर श्रेणी आता है, ठीक है भाई, कश्मीर का हिस्सा जास्कर श्रेणी। अब अगर हम इसके ऊपर पहुँचते हैं, इस हिस्से में पहुँचते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आता है काराकोरम श्रेणियाँ। तो काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, कि जोड़ता किसको है, पाकिस्तान भारत और चाइना को जोड़ता है काराकोरम, ठीक है भाई। तो काराकोरम श्रेणियाँ स्थित है हिमालय के दक्षिण और उत्तर में, तो काराकोरम श्रेणियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं भाई। हिमालय कहता है, हमने इसीलिए दोस्तों एक चीज़ बता दी, हमने इसीलिए एक एक पॉइंट पर एटलस रख करके उसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं दोस्तों, हमारा जो विस्तार है ये हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हमने वहाँ बता भी दिया कि नामचा बरुआ तक विस्तृत है। तो हमने स्टार्टिंग में दोस्तों बता दिया था कि इसका विस्तार हिमालय का कश्मीर से लेकर के कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ। तो ये हिस्सा हमारा आता कश्मीर का हिस्सा, ये हमारा आता अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फैला हुआ है, क्या फैला हुआ, हिमालय का विस्तार है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग क्लियर करते चलेंगे। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। तो देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ये हमारा हिस्सा आता है, ठीक है भाई, ये हमारा हिस्सा आता है हिमालय में माउंट एवरेस्ट। तो ये जो हमारा हिस्सा आता है दोस्तों, ये हमारा नेपाल का हिस्सा है, ये हमारा नेपाल का हिस्सा आता है। तो नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट।
तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वहाँ हम बोलते हैं इसे सागर माथा, इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था सागर माथा। अब हम आ जाते हैं तिब्बत में, तो ये जो तिब्बत का विस्तार है यहाँ तक, तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अगर हम तिब्बत में दोस्तों आते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं? चोमो लुगमा। तो चोमो लुगमा का मतलब क्या होता है मालूम है? चोमो लुगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी माना जाता है इसे। चलिए आगे देखते हैं भाई। लघु हिमालय मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ क्या हैं दोस्तों? इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, ये आपका कश्मीर में पड़ता है। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, और महाभारत श्रेणियाँ ये नेपाल का हिस्सा है। ठीक है भाई, तो नेपाल का हिस्सा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमारा हिमालयी पर्वत का विस्तार हम ही समाप्त करते हैं, और हमको पूरा उम्मीद होगी कि हमने आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए अगर समझ में आता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे वो आएंगे प्रायद्वीपी पठार। तो प्रायद्वीपी पठार थोड़ा सा हम आपको एक सेकंड के लिए चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगली वीडियो हम जरूर लेके आएंगे इसको। तो प्रायद्वीपी पठार हमारा जो माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों गुजरात से लेकर के बंगाल तक, और राजस्थान से लेकर के कश्मीर तक माना जाता है। ये पूरी क्षेत्रफल में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा प्रायद्वीपी भारत। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।